Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक बने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे की मुश्किलें अब बढ़नी शुरू हो गई है और इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने जो वो मामले को लेकर कोर्ट में दख्तव दिए थे उसको खारिज कर दिया गया है और इसको लेकर अब मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी जो विधायक हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बात करें तो बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लग गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण बयान देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की अब्बास अंसारी की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रागन ठाकुर की डिवीजन बेंच ने पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने के बाद अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर अब अदालत की रोक नहीं है। अब्बास अंसारी ने आखिरकार क्या कहा था? विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था और अब्बास अंसारी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अधिकारियों को 6 महीनों तक हटाया नहीं जाएगा, पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा और इस मामले में अखिलेश भैया यानी कि जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं उनसे बात भी हो चुकी है। इसके बाद अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट जो है अर्जी दाखिल की थी और अब्बास अंसारी ने कहा था कि आपराधिक मामला नहीं है और इस मामले में ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर कार्रवाई कर चुका है, चुनाव आयोग भी कर चुका है कार्रवाई। दरअसल बात करें तो मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से कहा गया था कि आपराधिक मामला नहीं है और इस मामले में चुनाव आयोग ऑलरेडी इसके खिलाफ पहले ही कार्यवाही कर चुका है। चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ प्रत्याशी पर 24 घंटे का प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी थी और जिसका आदेश का पालन भी अब्बास अंसारी ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण बयान देने के मामले में FIR रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर लोक जरा की मांग को अब्बास अंसारी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। तो इसको लेकर अब राजनीतिक सियासत बढ़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि योगी सरकार चुन चुन कर ऐसे लोगों को जेल में ठूंसना चाह रही है, तो कई लोगों के अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.